बिहार के दरभंगा में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग पहले से ही परेशान थे, लेकिन यह परेशानी अब डर में तब्दील हो गई, क्योंकि यह आवारा कुत्ते अब आदमखोर बन गया है और आदमी पर कुत्तों का झुंड मौका पाकर न सिर्फ हमला कर रहा है बल्कि जिंदा इंसान पर हमला कर उसके मांस को नोच नोच कर खाने भी लगा है। ताजा मामला दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड का है, जहां फुलपरी नाम की 60 वर्षीय महिला पशु चारे के लिए गांव के ही पौड़ाम बालाचौर गई, जहां महिला को अकेला पाकर करीब 15-20 कुत्तों ने एक साथ हमला कर दिया। अकेली महिला कुछ देर तक अपने आप को कुत्तों से बचाव में लड़ी, लेकिन आदमखोर और खूंखार कुत्तों के झुंड के आगे महिला हार गई। कुत्तों ने जिंदा महिला के मांस को अपने दांतों से नोच नोच कर खाने लगा और महिला खून से लथपथ बेसुध वहां पड़ी रही। कुछ देर बाद दूसरे आदमी की नजर पड़ने पर गांव में इसकी खबर की गई। आनन फानन में परिवार के 5-6 सदस्य मौके पर महिला को बचाने पहुंचे, लेकिन कुत्तों ने इन लोगों पर भी हमला करने लगा। बाद में किसी तरह लाठी डंडे के सहारे कुत्ते को वहां से भगाया गया, लेकिन तब तक कुत्तों ने महिला के हाथ पांव के साथ साथ कमर और पीठ के मांस कई जगहों से नोच खाया। जो हमारे भाभी गया था घास लाने के लिए, और घास लाने के लिए गया था, उधर से एक आदमी आया और हमको बोला कि तुम्हारी भाभी को कुत्ते खा रहे हैं। तो हम लोग बेहिचक दौड़ बैठने के बाद वहाँ पे गए तो हम लोग को हिम्मत काम नहीं कर रहा था, इतना कुत्ता उसको नोच रहे थे। और मेरे साथ भी 2-3 उसके लड़के भी थे, जो जिसका नाम श्याम है और उनका बेटी भी दौड़ा। और हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोग उन कुत्ते को भगाया, उसका लाश देख नहीं पाया थे। जो लाश में उसका मांस था वो मांस लोग वो सब खींच लिए थे, और खींचने के बाद उनका जो लाश हुआ, जो हम लोग को हिम्मत तो काम नहीं कर रहा था उस लाश को देखने के लिए, जैसा वो कर दिया हुआ था। और देने के बाद हम लोग को ये हुआ कि लेडीज लोग का हिम्मत जो कमज़ोर होता है, उनका ये सब होना अच्छा नहीं लगता। उनका बेटी था और एक उनका पुतौ था छोटी वाली, और हम लोग मर्द थे, दो ही जने थे, फिर भी कुत्ता बद्दी नहीं मान रहा था। मुझे सेम डे में ही पता चला था, फुलपरी देवी पति पवित्र महतो नाम की एक महिला है जो लगभग 60 वर्ष की थी, वो घास काटने के लिए चौर में गई हुई थी, बाला चौर में पौराम में ही। उसी समय पता चला कि कोई एक वहाँ पर पूर्व से ही संभवतः कोई जानवर मरा हुआ था जिसको सब कुछ कुत्ते मिलकर के खा रहे थे, आसपास ही वह घास काट रहे थे। उसी क्रम में उस पर सभी कुत्तों ने हमला कर दिया और 10 से 12 कुत्ते मिलकर के उसके मतलब पूरे तरह से शरीर को जख्मी करके सारे मांस को नोच लिया। जो उसके हाथ में हंसुआ था, जो कि वो घास काटने गई थी, अपना बचाव के लिए उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन विफल रही, अंत में उसकी मौत हो गई। तो लोगों ने जब यह स्थिति देखी तो कुत्तों को फटकार करके भगाया डंडे से, लेकिन तब तक महिला की स्थिति बहुत। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।